खंडवा सहित प्रदेश में सबसे कम रेट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बंपर ऑफिस में विजिट करें। खंडवा से रिलीव होकर रीवा पहुंचे एसपी विवेक सिंह ने रीवा का कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें इस दौरान नवनीत भसीन से उन्होंने चार्ज लिया। दोनों ही खंडवा में अपनी सेवाएं देकर गए हैं और दोनों का कार्यकाल बहुत शानदार रहा। खंडवा की जनता आज भी दोनों को याद रखती है। एसपी भसीन साहब का कार्यकाल भी बहुत शानदार रहा। उन्होंने सोशल पुलिसिंग पर ध्यान दिया, जनता तक हर मोबाइल फ़ोन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर पहुंचा और खंडवा एसपी विवेक सिंह ने भी शानदार कार्य किया। और आपको बता दें इस दौरान उन्होंने कहा कि रीवा में जो कॉरेक्स टाइप का नशा होता है, कफ सिरप वाला नशा होता है, उसकी जानकारी ज़्यादा मिली है। इसके अलावा उस ज़िले का अपना अलग नेचर है। नवनीत भसीन ने भी उन्हें शॉर्ट ब्रीफिंग की। आपको बता दें कि नवनीत भसीन एसपी रीवा के तौर पर अब रिलीव हो गए हैं और खंडवा से गए एसपी विवेक सिंह ने रीवा का पदभार संभाल लिया है। आइए उन्होंने रीवा की जनता को क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आप रीवा में वो किस तरह से काम करेंगे, उनका वर्किंग नेचर क्या रहेगा, हर जिले का अपना वर्किंग नेचर होता है, आइए उनकी बात सुनवाते हैं। रीवा के लिए रीवा की टीम तो लगी हुई है। आपके यहाँ ड्राइविंग हुई है, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे कि वैसे आए और कहाँ कहाँ पहुँचे? मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं 2012 आईपीएस बैच का हूँ और इसके पूर्व मेरा जो ट्रेनिंग थी वो जौलपुर में थी और उसके उपरांत महू, इंदौर, फिर ग्वालियर में कमांडेंट, उसके उपरांत फिर एसपी इंदौर वेस्ट और फिर एसपी पन्ना, एसपी दमोह, फिर एसपी खंडवा और उसके उपरांत अब रीवा में मेरी पदस्थापना हुई है। पहली बार विंदी की धरा में मेरी पदस्थापना हुई है। इसके पूर्व मैं यहाँ पर सेवा नहीं दिया था और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर सेवा देने का अवसर दिया गया। सर, आपको अपने कार्य के लिए कई बार मेडल भी मिले हैं, तो यहाँ क्या चीज़ें आप नवाचार करने अभी मैं समझने की कोशिश करूंगा पूरे एरिया के बारे में, यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और जिन किन समस्याओं को पुलिस अपने हिसाब से डील कर सकती है, कैसे उसको हम निराकरण कर सकते हैं। अभी तक जो जानकारी मिली है, अभी हमारे एसपी साहब से, जो पुराने एसपी साहब नवनीत भसीन साहब से भी मैंने सर से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नशे का यहाँ पे एक समस्या रहती है जिसपे जो कार्य किए जाएंगे उन्हीं कार्यों को मैं और आगे बढ़ाने को और अच्छा करने को उसमें प्रयास करूँगा। सर, थाना स्तर पे ये देखा जाता है कि हमेशा आपके दरवाजे पर लोग फरियाद लेके खड़े रहते हैं, तो इस पर क्या नवाचार करने का प्रयास करें? शिकायतों के निराकरण के लिए उसकी एक मॉनिटरिंग को हम और मजबूत करेंगे और ये देखा जाएगा कि उसको निर्देश भी जारी किए जाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि जो थाने पे शिकायतें आएँ उनका त्वरित निराकरण वहीं स्तर पे हो जाए ताकि लोगों को यहाँ पे एसपी ऑफिस आने की जरूरत ना महसूस हो। इस प्रकार से कुछ एक कार्य प्रणाली हम बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या निर्देश देंगे? बिल्कुल, किसी प्रकार से जो इस तरह की घटनाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए और जो भी अगर कोई पैसे ले रहा है या कुछ कर रहा है तो वो भी नहीं होना होगा। मैं सभी नागरिकों से भी अपील करता हूं कि किसी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी को कोई भी पैसे वगैरह ना दें। सभी कार्य पुलिस के सेवा उसमें आते हैं तो उस सेवा उसके आधार पर ही किए जाएंगे। उसमें देखा जाता है कि रीवा संभाग में गांजा और कोरेक्स हमेशा सबसे बड़ा। हाँ, एक ये जानकारी बिल्कुल मिली है। मैं कहीं भी पदस्थापना रहे लेकिन कहीं ना कहीं एक न्यूज़ में आता था या कुछ आता था कि इस एरिया में गांजा और इसके बाद अभी कोरेक्स का काफ़ी चलन बढ़ा है और जिसमें लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि जो पूरी टीम है उसको लेके हम ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई को और अच्छी करें और बढ़ाएँ ताकि उसको पूरी तरह से हम मिटा पाएँ। खंडवा सहित प्रदेश में सबसे कम रेट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बंपर ऑफिस में विजिट करें।